न्यूज वन नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। दो महीने के दंगल, 8 चुनावी राउंड, उसके बाद आखिरकार दीदी ने अपना किला फतह किया और इस तरह से जिस तरह से किसी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी 100 के नीचे रह गई और खेला हो गया, दीदी 200 के पार। और ये देखिए, यहाँ पर बंगाल की महिला है, दीदी खुद एक महिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का उम्मीद ही थे जो हम लोग जीतेंगे, दीदी हमारा मास्क लगाएंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों को उम्मीद था कि इतना सीट आ जाएगा? एकदम 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 हम लोग का उम्मीद। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि साइलेंट वोटर महिलाएं हैं, महिलाओं हमको वोट देंगे। कोई नहीं देंगे, महिला कोई नहीं देंगे। ये तो आप देख रही है ना, अभी बंगाल में क्या है, मोदी जी का कोई नहीं वोट दिया। मोदी जी रुपया जे बांध के चेंज कर रहे हैं, एकदम देश का खत्म। हम लोग का बहुत नुकसान हुआ, बहुत बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, वो नोट चेंज करके बहुत नुकसान किया। अच्छा। वो नुकसान तो हम लोग से, हम लोग का सैलरी से कट रहा है। अच्छा, वो तो अपने पकड़ से नहीं दिया। बोले थे जो जय श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नहीं, तो राम झूठ बोलता है, राम राम सत्य है। अच्छा, ऐसा है, राम नाम सत्य है, सत्य हो गया, देखना है ना आप लोग। अच्छा, वो बोल रहे थे 2 मई दीदी गई, आप लोग देख रहे हैं, वो तो प्रूफ हो गया, क्या गए क्या है ना, तो प्रूफ हो गया। अच्छा, वो कह रहे थे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो दम दिखाएंगी और बीजेपी को जिताएंगी। कोई नहीं बोला है ऐसी, ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ पार्टी है, झूठ पार्टी है। अच्छा, वो झूठ पार्टी है, झूठी बोला है पहले से, अभी भी झूठी बोला, खुद झूठ है। अच्छा, खुद झूठा है। अच्छा, एकदम झूठा है। चाय बात बोलना और काम करके दिखाना, वो चाय, वो चाय दुकान में वो ठीक है, मोदी जी चाय दुकान में ठीक है। दीदी नाचे, दीदी थकबे, सारा जीवन दीदी थकबे, दीदी थकबे, जय बांग्ला। मोदी जी सोचा था जो ममता, मोदी जी सोचा था ममता बंगाल में यह कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, हम क्या करेंगे। वो क्या करा, रात में एकदम एक सेकंड में 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। हाँ। बस ये वो एक एक तारीख, उन्होंने बोला देश को बचाने के लिए। नहीं नहीं, झूठ, कोई कोई कालाधन नहीं आया, कोई। अब हम खुद मोदी के सामने जाके बात कर सकते हैं। अच्छा, खुद सामने जाके बात कर सकते हैं। आप ऊंचा हो गया, लड़की लोग का सर ऊंचा हो गया, महिलाओं का सर ऊंचा हो गया। दीदी, दीदी को वोट किया था है ना? हाँ। तो मोदी जी ने बड़ा वादा किया था महिलाओं। नहीं नहीं, कभी नहीं, मोदी जी के वादे पे भरोसा नहीं था। नहीं नहीं, तो भरोसा ये साबित हो गया कि बोलना और करके दिखाना किसे कहते हैं। दीदी के देख के सीखिए वो। अच्छा, दीदी को देख के सीखिए, दीदी ने प्रूफ कर, बोलना और करके ममता बनर्जी जो बोलते हैं और करके दिखाता है। अच्छा, जो बोलता है और करके दिखाता है, जो बोलता है वो करके दिखाता है। ये तो प्रूफ हो गया, ममता बनर्जी जो बोला और करके दिखाया। मोदी जी बंगाल में क्या क्या जानते हैं, जितना उसका नेता जीता है उसको चाय वाला बनाया, चाय बिक्री करने के लिए। फिर दीदी दिल्ली जाएंगे तो आप तो मोदी जी फिर चाय दुकान पे आ जाएंगे। चलो तुम्हारे पास सबाई आज सब समय थकी थकबो है ना, मतलब पहले थे और साथ रहेंगे, पहले से ही थे, अभी है। दीदी जितना दे जाएगा, 2021 में बंगाल को जिताया दीदी, 2024 में पूरा हिंदुस्तान को जिताएगा दीदी। ये जरूर जरूर 2024 में प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। मोदी जी क्या करेंगे, वो कहाँ गया 15 लाख का वादा, कहाँ गया? अमित शाह आया था, बोला था 18,000 रुपया करके दिया, कहाँ गया? सब पहले दे, इलेक्शन से पहले देना चाहिए, इलेक्शन का बाद। बहुत झूठ बोले है, बहुत झूठ, गैस मुफ्त में दे रहे हैं बोल के बाद में पैसा लेते हैं। करीब करीब 1000 रुपया तो गैस का मिल रहा है, कहाँ है गरीब का दीदी? क्या क्या सोचा, कुछ है क्या? पूरा बंगाल हिंदुस्तान में कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं किया मोदी जी, गरीब लोग के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो तो सब झूठ। वो मोदी जी चाय बेचेगा, अमित शाह गिलास धोएगा, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का विकास हो रहा, मोदी जी का नेता लोग सब भेज दिया, दिल्ली भी भेज देगा,
दिल्ली दिल्ली तक नहीं छोड़ेगा आप लोग, मतलब बंगाल के बाद दिल्ली में भी साथ नहीं लेने दीजिएगा। जरूर जाएगा दिल्ली, जरूर जाएगा दिल्ली, प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री होगा। चलिए देखिए, बंगाल की महिलाएं जब ममता दीदी 200 पार का आंकड़ा छूती हैं तो ये जोश सब कुछ कह देता है, क्योंकि शायद बहुत सारों को उम्मीद नहीं था कि 200 पार टीएमसी लाएगी। शायद टीएमसी वालों को भी ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद तो था कि शायद टफ फाइट हो, लास्ट में टीएमसी जीत जाए, मगर दीदी ने जो कमाल किया है वो बेमिसाल है और विपक्ष की एक मजबूत नेता बनकर उभरी है दीदी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।